an OCD, OCD. The life that falls is hard, falls is far. My heart been torn apart, I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to, I'll probably never change for nothing, my dear. All right, guys. तो एक परफेक्ट हेड फिल्म आ रहा है, वो भी मूवमेंट स्पीड के साथ। ये आप सभी को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। हाँ। बट ये गेम प्ले मैंने कैसे किया? हैकर। हैकर। अरे नहीं नहीं यार, जरूरी नहीं कि जो हेड फिल्म मारता है वो हैकर ही हो। तो फिर मैंने ऐसा मारा कैसे? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप सभी लोग एकदम मूवमेंट स्पीड के साथ हेडशॉट मारोगे। हाँ, आज का वीडियो देखने के बाद आपसे हैकर भी डरेगा। अरे बाबा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बट आई स्वेयर गाइस, आप सभी लोग एक पीसी प्लेयर जैसा अपने मोबाइल के अंदर ही हेडशॉट मारना सीख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप लोग इस वीडियो में हेडशॉट कैसे मारते हैं सीखना आए हो तो आप लोग गलत वीडियो पर आए हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि हेडशॉट कैसे मारते हैं। और अभी के टाइम में फ्री फायर के हर बच्चे को पता है कि फ्री फायर में हेडशॉट मारने के लिए आपको बस फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना होता है। बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि फ्री फायर में हमें ड्रैग कब करना है जिससे सामने वाले एनिमी को हेड पड़े। बट हेडशॉट मारने से पहले मैं आप लोग को सेटिंग में कुछ चेंज करवाना चाहता हूँ, ताकि आप सभी लोग बेस्ट तरीके से हेडशॉट मार सको। तो हेडशॉट मारने के लिए आप सभी को सेंसिटिविटी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए आप सभी को सेंसिटिविटी कुछ इस टाइप में, जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप सभी को जनरल, सबसे पहले आप सभी को कम से कम आप सभी को 90 रखना है, एंड रेड डॉट जो कि आप सभी को कम से कम आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर 85 रखना है, जो कि ये मैं दोनों जो कि लो और हाई दोनों मोबाइल के लिए काफी बेस्ट है। तो आप लोग को इतना रखना, नीचे में आप सभी लोग जितना चाहे उतना रख सकते हो, क्योंकि हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी और रेड डॉट बस यही दोनों ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद फायर बटन साइज की बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो मेरा जो फायर बटन साइज है वो 61 है, और आप सभी को भी अपने मोबाइल के अंदर फायर बटन साइज को 61 रखना है, क्योंकि ये काफी अच्छा है। और साथ ही साथ अपने फायर बटन को ज्यादा ज्यादा अपने मोबाइल के नीचे रखने का ट्राई करें, ताकि ऊपर की तरफ टोटली आप सभी को स्पेस मिल जाए, ताकि आप लोग ऊपर की तरफ ड्रैग कर सको। इन सब ट्रिक के बाद आता है हेडशॉट ट्रिक, जिसके अंदर आप सभी लोग बहुत इजीली हेडशॉट मार सकते हो, जिसमें आप सभी लोग जंपिंग हेडशॉट सबसे ज्यादा इजी होता है, जिसके अंदर अगर आप लोग सामने वाले एनिमी को जंप करके मारोगे तो उसको हेड पड़ेगा। अब ऐसे में तो आप सभी लोग को ये ट्रिक समझ में नहीं आएगा, तो चलो मैं आप सभी को आसान तरीके में समझाता हूँ कि ये ट्रिक वर्क कैसे करता है। तो चलो अब हम स्लो मोशन के तरीके समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हो सामने एक एनिमी है जिसको मैंने जंप करके यहाँ हेडशॉट मारा। अब इस हेडशॉट मारते टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हवा में फायर नहीं किया, आई मीन कि जंप करने के बाद जितने टाइम तक मैं हवा में था उतने देर तक मैंने कोई भी फायर नहीं किया। बट जैसे ही जंप करने के बाद तुरंत मेरा पैर जमीन पर आया, तब मैंने तुरंत ऊपर की तरफ ड्रैग किया, जिससे उसको हेड पड़ा। सेम आप लोग को भी ऐसा करना है, जिसमें जब सामने कोई एनिमी रहे तो आप लोग को सिंपली से जंप करना है। जंप करने के बाद जब आपका पैर जमीन पर आए, तब आप लोग को बस उसकी तरफ ड्रैग करना है, और ऐसा करने से आप सभी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सामने वाले एनिमी को हेड पड़ने की। अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जंप करने के बाद जमीन पर आते हो तो आपका उस टाइम सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ा रहता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो सामने वाले एनिमी को हेड पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस ट्रिक का यूज बड़े बड़े यूट्यूबर और साथ ही साथ पीसी प्लेयर भी करते हैं। और सेम ऐसा अगर आप बैठ कर भी सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मारते हो तो उस टाइम भी आपका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण सामने वाले एनिमी को हेडशॉट पड़ता है। तो आप लोग बैठ कर भी बहुत आसानी से किसी भी एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। बट ये जो सेटअप हेडशॉट ट्रिक है, ये आप सभी लोग सिर्फ मिड रेंज में कर सकते हो, आई मीन कि अगर कोई बंदा कोई मिड रेंज में तो आप लोग उसको इजीली हेडशॉट पहना सकते हो। और इन सब के बाद भी आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमसे हेडशॉट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग को जो ट्रिक बताते हो वो काम तो देता है, बट वो बहुत जगह पर काम नहीं देता, क्योंकि अगर आप सीएस या कस्टम खेलते हो तो उसके अंदर जो एनिमी इधर से उधर भागते रहते हैं, जिसके कारण आप सभी लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इन छोटे मोटे ट्रिकों से आप सभी लोग कभी कभी बस हेडशॉट मार सकते हो। तो हेडशॉट मारने के लिए आप सभी को एम लॉक सीखना होगा, जो कि ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। बट अगर आप लोग एम लॉक हेडशॉट ट्रिक सीख जाते हो तो आप लोग किसी भी एनिमी को इजीली हेडशॉट मार सकते हो। और इस ट्रिक को सीखने के लिए आप सभी को दो चीजों का ध्यान रखना होगा, पहला एम लॉक ट्रिक और दूसरा ट्रेनिंग। इसमें आप लोग को जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको आप लोग को डेली बस ट्रेनिंग में जाकर प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग कभी ना कभी फ्री फायर में ट्रेनिंग में तो गए होगी, और ट्रेनिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो दो ठीक यहाँ पर एडम खड़े होते हैं, इनको तो आप लोगों ने हेडशॉट मारा ही होगा। आप लोगों ने देखा होगा सीएस रैंक या कस्टम में भी जो भी गेम खेलने पर आप सभी लोग वहाँ पर तो उतना अच्छे से नहीं मार पाते, बट यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से हेडशॉट मार पाते हो। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि मैं ट्रेनिंग में इन दोनों एडम को बहुत अच्छे से हेडशॉट मार पाता हूँ, बट अगर ट्रेनिंग में खेलने जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई और मार कर चला जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सामने
सामने कोई एनिमी आपके सामने खड़ा है तो आप लोग उसको इजिली हेडशॉट पहना सकते हो और इसी को एम लॉक बोलते हैं, जिसके अंदर अगर कोई सामने एनिमी अगर सामने खड़ा है तो आप लोग उसको इजिली हेडशॉट मार सकते हो। आप लोग चाहे कोई सा भी गेम प्ले कर लो, चाहे कोई सीएस रैंक, बरमूडा रैंक या फिर कोई सा भी हो, उसके अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई एनिमी एक जगह पर खड़ा होता ही है, तो आप लोग उस टाइम उस बंदे को एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। बट इसमें भी आप सभी को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग जितना ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप सभी को अपने स्किल को डेवलप करोगे। तो आप लोग इन सब चीजों को प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए आज के बस इतना ही। सो आई होप सभी को हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और याद से हमारे छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।